फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आईसीएसई, सीबीएसई और रीजनल, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यू मे रिफर टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड इस वीडियो को भी लाइक करें, प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एंड ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगी। डीएनए का तो बैकबोन आप लोग ने पढ़ लिया, वेरी गुड। लेकिन अब बात करेंगे इस चैप्टर के बैकबोन की, यानी कि जो सबसे मेन पार्ट है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसका मैकेनिज्म, उसके फॉर्मेशन का, सिंथेसाइज होने का प्रोसेस जो है यहाँ से हल्का हल्का स्टार्ट हो गया, यानी कि मशीनरी, मैकेनिज्म या स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट होएगा ना डीएनए, तभी तो आगे प्रोसेस फॉर्म होएगा। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसका मैकेनिज्म। देखो बच्चों को ये पार्ट बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपकी बुक में बहुत हॉच पॉच तरीके से दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देखो मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मशीनरी भी कह सकते हैं एंड स्टेप्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये पार्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि आपकी बुक में पहली बार बहुत हॉच पॉच तरीके से दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बात करी जाए, क्योंकि न्यूटन ने तो ये पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करा गया, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल की तरह होती है। बिगनर्स जो है, जिनको बहुत डिटेल स्टडी करनी है, जिन बच्चों को असली में बहुत अच्छे मार्क्स के लिए, टॉपर्स के लिए पढ़ना है, तो वो नूतन रिफर करें। बट जिनको है कि केवल फिक्स चीज़ें पढ़ के अच्छे परसेंट लाने हैं, वो पढ़ें एनसीईआरटी। तो मैं एनसीईआरटी को केवल देख के नहीं पढ़ाती हूँ, नूतन को भी देखती हूँ एंड जो बाकी यूपी बोर्ड की है, कुछ रमेश करके नाम है, रमेश जो भी नाम है, मुझे नाम नहीं याद है इस समय, लेकिन मैं उसको भी देख करके बताती हूँ एंड उस वाल जो बुक है उसको, एग्जाम्पलर को, सबको ही देख के बताती हूँ। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊँगी उनके जो अभी मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है, जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन, देखो एक बात समझ लो, जो मैं लिख रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में बहुत हौच पौच तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं एक मिनट रुक जाओ यहाँ, मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एंजाइम्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पता है मैक्सिमम लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि हाई ये एंजाइम कहाँ लगेगा, ये कहाँ यूज होगा। तो पहले मैं एंजाइम बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलिकेस की, ये आप एज अ नोट्स लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, आप नोट्स की तरह इसको कॉपी डाउन जरूर करिएगा, ना आप आगे कंफ्यूज होंगे। हेलिकेस का क्या काम होता है, ये डीएनए की जो चेन होती है अनवाइंड करता है, मतलब कि हेलिकेस का काम होता है डीएनए की जो चेन होती है, जो इस तरह से होती है, उसको यहां से हेलिकेस लगता है, यहां पे हेलिकेस एंजाइम लगता है और इस चेन को अलग करता है, ठीक। हेलिकेज लगता है और वो अलग करता है। सेकंड बात करी जाए अगर हेलिकेज लाइगेज की बात करते हैं हम, लाइगेज क्या होता है, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस एंजाइम का क्या वर्क है। लाइगेज जो होता है इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ग्लू, ठीक। क्यों, क्योंकि ये दो आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं उनके बीच में लगता है, उन दोनों को जोड़ता है, तो इसलिए दो प्राइमर्स को जोड़ता है, दो स्ट्रैंड्स को जोड़ता है, इस तरह से जो स्ट्रैंड्स होती है उन दोनों को जोड़ देता है लाइगेस, ठीक। तो इसलिए कहते हैं बायोलॉजिकल ग्लू। थर्ड है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इसका क्या काम होता है, जो डीएनए की जो चेन होती है उसको एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड डीएनए की चेन, डीएनए चेन, ठीक। एज अ कैटलिस्ट भी ये काम करता है। अब बात करते हैं फोर्थ, यानी कि ये है लास्ट एंजाइम, जो कि है टोपो आइसोमरेज,
टोपो आइसोमरेज या डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज कहते या केवल गायरेज कहते, बात है कि ये गायरेज ही लिख देती, गायरेज। जी वाई आर ए एस सी, ठीक, डीएनए गायरेज या गायरेज टोपो आइसोमरेज। अब जो हेलिकेज होता है उसके, वो जब जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है डीएनए का, ऐसे यहाँ पे हेलिकेज लगा, ये जब ऊपर की तरफ जाता है चेन खोलने के लिए, तब वहाँ पे लगता है यहाँ पे टोपो आइसोमरेज लगेगा यहाँ पे, सो दैट जो स्ट्रक्चर इसका ऐसे ऐसे ना हो, यानी कि कुछ डिफरेंस दिख रहा है, एक मिनट रुको। कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये थोड़ा सा फैला फैला सा, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है, यहाँ पे टेंशन लगता है, टेंशन फोर्स को रिलीज करने का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाता है, चिपकने की वजह से जब नीचे से प्रेशर लग रहा है तो वो चिपक जाएगा, तो उसकी वजह से ये टूटे ना, वहाँ पे टेंशन रिलीज करने के लिए लगता है ये टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज रिलीजेस टेंशन, ठीक, डीएनए के। तो ये हो गए एंजाइम्स की बात हम लोग ने कर ली, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म, आप ये पार्ट नोट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई एंजाइम शायद ही यूज हो, जब यूज होगा तो मैं बताऊंगी, बट इसके अलावा और कोई एंजाइम यूज नहीं होगा पूरे प्रोसेस में, ठीक। तो अब बात करते हैं, अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी एंजाइम को लेकर के, ठीक। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, एक सेकंड कुछ गलत लिख दिया मैंने, मोनोफॉस्फेट PHOS फॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है, ये मोनो की जगह ट्राईफॉस्फेट में, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट में, ठीक। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, डीऑक्सी का डी लग जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का क्या लगेगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ए टी जी सी होते हैं ना, ए टी जी सी में हम लोग एडेनाइन लगा लेते हैं सबसे पहले, डीऑक्सी एडेनाइन मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, या आर लगेगा, ठीक, मोनोफॉस्फेट से डीऑक्सी एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट में, ठीक। इस बीच फॉस्फोरिलेस एंजाइम के थ्रू ये होगा और एटीपी रिक्वायर होगा, ठीक। अब ऐसा ये चीज होती क्यों, ऐसे हम लोग डी एडेनाइन की जगह ग्वेनाइन साइटोसाइन थाइमीन, ठीक, सेम यही चीज होगी यहाँ पे, डीऑक्सी ग्वेनाइन ट्राईफॉस्फेट डीऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट डीऑक्सी थाइमीन ट्राईफॉस्फेट, तो ये एक्टिवेट हो गए, ये थे इनएक्टिवेट, ये हो गए एक्टिवेट, ठीक। अब ये नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। अब ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सेल पे, कि सेल कैसा है, टाइप्स ऑफ सेल, अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो कैसा होगा, और यूकैरियोटिक है तो कैसा होगा, डिफरेंस मैं पहले बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। प्रोकैरियोट में क्या होता है, स्मॉल डीएनए होता है, स्मॉल डीएनए होगा, एंड
जो ओरी है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो मैनी, वो केवल एक होगा, क्योंकि डीएनए स्मॉल है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल एक होगा, यानी कि एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। यूकैरियोटिक में लार्ज डीएनए होता है एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैनी। ठीक, अब इतना हो गया। अब मैं सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट बताती हूँ जल्दी से। थर्ड पॉइंट पे होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम लगेगा, मैंने पहले बताया था, गंदा हो गया ये थोड़ा। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए लगेगा हेलिकेस, डीएनए हेलिकेस। ठीक, देखो डीएनए के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको अनवाइंड करना, यानी कि उसकी चेन जो है वो खोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो चेन है वो ऐसे खोलने के लिए यहाँ पे लगेगा डीएनए, ये जो लगा डीएनए हेलिकेज। ठीक, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज लग गया। अब डीएनए हेलिकेज लगेगा, उसके बाद ये चेन तो जैसे हो गई, चेन अनवाइंड हो गई यहाँ का पार्ट, लेकिन ये फिर से वाइंड हो सकता है, फिर से रिकॉइल हो सकता है। ठीक, उस रिकॉइल को प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये पार्ट पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। आज की वीडियो में मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि वो जो रिकॉइलिंग ना हो उसके लिए लगेगा SSBP, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, SSBP लगेगा, ताकि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो यहाँ पे लग जाएगा SSBP, ताकि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो रिकॉइल ना हो, यानी कि प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। अब डीएनए स्ट्रैंड्स में रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करने पर लगता है, जब ये अनवाइंड होगी तब लगेगा टेंशन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो ये थोड़ा सा खुला खुला दिख रहा है, यहाँ पे SSBP लगते ही स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रैंड्स हैं, ये टूट भी सकते हैं, टूटने की वजह से म्यूटेशन भी हो सकता है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लगेगा एंजाइम टोपो आइसोमरेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, टोपो आइसोमरेज लगेगा टेंशन रिलीज करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बनेगा आरएनए प्राइमर। तो फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, मैं रेस करके बताती हूँ। इसके बाद आरएनए प्राइमर लगेगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि आरएनए प्राइमर का फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो होता है, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जो आरएनए प्राइमर होता है उसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये हमेशा 3 प्राइम एंड पर ही लगता है। जैसे अगर हमारा डीएनए स्ट्रैंड हम ऐसे खोल के दिखाते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो हमेशा ये 3 प्राइम एंड पे लगेगा, यानी कि यहाँ से बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा। ठीक, तो ये होता है इसका नेगेटिव पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएगा, एंड ट्रस्ट में आप जब इसको एज अ रिविजन बाद में पढ़ेंगे ना, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस होता क्या है। ठीक, अब आरएनए प्राइमर बन गया, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब देखो स्टेप नंबर सिक्स, ये देख लेना, शायद ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया स्टेप नंबर मेरे से, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड।
अब इसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, पॉलीमरेज की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स 5' to 3' एंड में आकर के अटैच हो जाएंगे, यानी कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क आपकी बुक में गिवन है ना इस तरह से, वो तो थोड़ा अलग करके गिवन है, ये यहाँ पे ये हो गया हमारा 5', ये हो गया 3', ये 3', ये 5'। तो यहाँ पे लगेगा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, ये हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा, क्योंकि वो हमेशा भी मैंने बताया 3' एंड पे लगता है, तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस डीएनए बन गया। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डीएनए जो बन गया, इसलिए इस स्ट्रैंड को कहेंगे कॉन्टिन्यूस या कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। अब यहाँ पे 5' to 3' एंड में आरएनए फ्रेगमेंट्स कुछ इस तरह से बनेंगे अलग अलग, ठीक। तो वो हमारी मॉलिक्यूलर ये बायोलॉजिकल ग्लू की हेल्प से आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लगेगा जो चेन को एक्सटेंड करेगा, यानी कि ये चेन को एक्सटेंड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे आरएनए प्राइमर जो अलग अलग बन गए, मैं पेन चेंज करती हूँ, यहाँ पे जो अलग अलग ये बन गए स्ट्रक्चर्स, इनके बीच में लगेगा लाइगेस, ठीक। और जहाँ पे ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको एक इस ये स्ट्रक्चर को कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन की क्लास रखूँगी, क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी ओसवाल वगैरह, बाकी बुक से देख करके भी एंड एनसीईआरटी नूतन से देख करके भी जो क्वेश्चंस अभी तक में होने होंगे, ठीक। यहाँ पे हेलिकेज लगेगा, हेलिकेज यहाँ पे लगेगा, यानी कि यहाँ पे टोपो आइसोमरेज, अभी मैंने फंक्शन बता दिया ना। अब यहाँ पे जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बने हैं, यहाँ पे ना जहाँ पे लाइगेस लगेगा उनको छोड़ने के लिए, ये डिसकॉन्टिन्यूस ये डीएनए बने हैं यहाँ पे, तो इस स्ट्रैंड को कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कहेंगे, या लैगिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। बस इतनी सी बात थी जो कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में थी। एंजाइम्स मैंने कवर करा दिए एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम आपकी बुक में बहुत क्लियरली गिवन है, मैं अब इसलिए उसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज वो टाइम भी लेगा। और फिर अब मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपका सफिशियंट पार्ट कवर हो गया, आप इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, ज़रूर बनाइए, क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा एंड जब आप नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे तो ट्रस्ट मी बहुत इजी भी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि इससे अच्छे नोट्स कोई नहीं बनवा सकता इस पूरे टॉपिक के, ठीक। बहुत सिंपली करके मैंने बनाए हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ प्रीवियस वीडियोज़ को भी लाइक करिए एंड इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए एंड मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।